तभी के टाइम पे ना, मतलब एक कपल थे कि लाइक दे वर मैरिड, तो फिर तभी के टाइम पे ना वो जो हस्बैंड था वो इनसिक्योर था क्योंकि एमिवे का नाम नहीं था, समझ अच्छा रहे हो? अच्छा ये बात है 2014-15। और क्या हाल चाल, फट से आ गए एकदम। हाँ, नॉर्मल वीडियोस में नहीं देना व्यूज, नॉर्मल वीडियोस में तो व्यूज ही नहीं देना है, पर कंट्रोवर्सी, कॉल रिकॉर्डिंग, इसके लिए उसके लिए, इस पे तो फट से भक्के आते हो ना तुम लोग। एनीवेज, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज तरुण फ्रॉम इंदौर। और क्या बोलती हिप हॉप सुनने वाली पब्लिक। मैं कुछ चीजें पहले क्लियर कर देता हूँ, ये जो तुमने कॉल रिकॉर्डिंग सुनी है एकदम ऑथेंटिक है। सेकंड चीज, मैं जो इसमें कवर करूंगा, मैंने एमिवे बंटाई की साइड की स्टोरी भी जानी है, एमिवे बंटाई के बहुत ही क्लोज होमी, नाम नहीं लूंगा समझ जाओ, उनसे बात करके, एंड हरकत वाला फरदीन की ऑफकोर्स मैंने स्टोरी जानी है उनसे बात करके, तो मैं दोनों स्टोरीज कवर करूंगा। वो दोनों स्टोरीज कवर करने के बाद जनता मालिक है, जो जनता बोलेगी वो सही रहेगा, क्योंकि उसके आगे तो अपन टिकते ही नहीं है। एनीवेज, सो सबसे पहले कॉल रिकॉर्डिंग के मैं आपको कुछ पार्ट्स दिखाऊं, उसके पहले मैं आप लोग को एक ओवरव्यू दे देता हूँ सीन क्या है। बेसिकली हरकत वाला फरदीन ने एक डिस्ट्रैक्ट निकाला जो एक सबलिमिनल डिस है, नाम नहीं लिया है बंटाई का, लेकिन क्लियर पता चल रहा है किसको बोल रहा है। वो डिस्ट्रैक्ट जब आया रात को 12 बजे आया था, एंड मेरे को फट से बहुत सारे भयंकर तरीके से लोगों ने स्पैम करना शुरू किया कि भाई ये वाला डिस्ट्रैक्ट देखो, एंड उसमें ये पॉइंट से लेके मतलब वो टाइम वाला मार्क करते हैं ना 324 करके, पता नहीं ऐसा ही कुछ बोलते हैं, वो करो एंड वहां से तुम देखो उसने क्या बात बोली है। मैंने वो देखा एंड आई वाज लाइक शॉक्ड मैन। फिर मैंने फट से उसी वक्त कमेंट किया कि ये बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट है फरदीन, एंड ये जो आप बोल रहे हो ये सच है क्या? तो भाई इतना सैवेज रिप्लाई आया, मच लव ब्रदर। नहीं 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 ये नहीं आया, उसके नीचे जो आया वो सैवेज था कि किसको खड़ा करूं, हस्बैंड को या वाइफ को। नाउ जब इतना बड़ा स्टेटमेंट दे दिया, प्लस जब बोल रहा है किसको खड़ा करो, तो सीधी सी बात है झूठ क्यों बोलेगा बंदा इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे। फिर मेरे को लगा कि हाँ ठीक है, मैंने उसकी बात सुन ली, मैंने रातों रात उसको मैसेज किया एंड उससे बातचीत करी, सारे प्रूफ मेरे ये मोबाइल में है, दिस इज पोको X2 256 GB स्टोरेज, 8 GB रैम, एंड नया लिया है मैंने, प्रमोशन डन में, जो पैसा थोड़ी देंगे वो लोग। एनीवेज ओके, देखो मैं ये फन टाइप में इसलिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हरकत वाला फरदीन को हेट मिले या फिर एमिवे बंटाई को हेट मिले या उसके होमीज को हेट मिले। अपन लोग ट्राई करते हैं कि इसको पॉजिटिवली ले, पॉजिटिवली कैसे लेंगे, बात ही बहुत सीरियस है, लेकिन फिर भी पॉजिटिवली कवर करें एंड अपना पॉइंट ऑफ व्यू हेल्दी वे में डिस्कस करें। सो मैंने बात करी हरकत वाला फरदीन से, लेकिन उसके बाद मैंने आज ही सुबह सुबह बात करी एमिवे के होमी से, नाम मैं किसी का नहीं लूंगा। उसने जो मेरे को बताया वो ओवरव्यू बता देता हूँ कि ये जो पूरा मैटर है ये हुआ 2014-15 में माल वाली आंटी के टाइम पे, एंड उस समय पे जो माल वाली आंटी थी वो माल वाली आंटी का एक माल वाला हस्बैंड था, तो माल वाला हस्बैंड माल वाली आंटी का, क्योंकि वो हस्बैंड था तो माल वाला जो अंकल था वो इनसिक्योर था एमिवे अंकल क्या बोल रहा हूँ एमिवे बंटाई से। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, अगर आप उसकी वाइफ को आप अपनी म्यूजिक वीडियो में ले रहे हो और गाना भी ऐसा है कि माल वाली आंटी दिखती सीधी सादी, दिखती प्यारी आंटी है माल वाली आंटी, एक टाइम पे बहुत सुनता था मैं। इस टाइप का वीडियो है तो सीधी सी बात है कोई भी इनसिक्योर होगा। तो ये बात उसने मेरे को कॉल रिकॉर्डिंग पे बताई, एंड हैशटैग सरक रिमेक्स FIR मना जाने क्या क्या, तो इतनी सारी बातें हुई है वो मैं इसमें कवर नहीं करूंगा, मेन जो टॉपिक है वो कवर करूंगा एंड एंड में वो गाने पे रिएक्ट भी करेंगे हरकत वाला फरदीन के। हाँ तो ये बात हुई, तो फिर मैंने बात करी हरकत वाला फरदीन से, फिर मेरे को क्या पता चलता है, प्लॉट ट्विस्ट हो गया एकदम वैसे वाला CID वाला। वो क्या हुआ वो बाद में बताऊंगा, पहले तुम लोग कॉल रिकॉर्डिंग सुन लो। तभी के टाइम पे ना, मतलब एक कपल थे कि लाइक दे वर मैरिड, तो फिर तभी के टाइम पे ना वो जो हस्बैंड था वो इनसिक्योर था क्योंकि एमिवे का नाम नहीं था, समझ अच्छा रहे हो? अच्छा ये बात है 2014-15 की। तब भी ऑब्वियसली अगर कोई आर्टिस्ट का नाम नहीं है, अगर वो किसी के वाइफ को यूज कर रहा है अपने गाने में, वो भी गाना था जैसे सीन चालू था तभी के टाइम पे कि सब लोग वही सीन पे थे सही बात है। और गाना भी वैसे था, तो फिर ऑब्वियसली अगर वो हस्बैंड की जगह पे अगर कोई भी रहता ऑब्वियसली इनसिक्योर होता है। तो फिर तभी के टाइम पे मैं और फरदीन हम दोनों साथ में थे शूट के टाइम पे। हाँ वो वो जो अच्छा हस्बैंड था उस ना, वो इनसिक्योर हुआ हाँ वो और इनसिक्योर, फरदीन ने इसका ऐसा बना के गाने में हाँ पोट्रे कर दिया, सीन ये वही है। ठीक वही, क्योंकि है। एमिवे की भाई तब से गर्लफ्रेंड थी, अभी मैं नाम भी नहीं ले सकता मालूम क्या नहीं, मतलब मुझे वैसे भी पर्सनल बातें उतनी जाननी नहीं है, मेरे को तो बस वो बराबर। पॉइंट की बात जाननी थी सो दैट मैं दोनों साइड की बात कर पाऊँ। तो ये कॉल नहीं रिकॉर्डिंग के कुछ पार्ट डाल सकता हूँ क्या? अरे हाँ बिंदास डाल दो, बस मेरा नाम मत लेना, वो मेरा आवाज जान ही लेगा। ना वो तो नाम नहीं लूंगा मैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, बस जो मेन पार्ट है ना बस वही डालूंगा। अरे बिंदास डाल दो।
ओके तो आई होप आप लोगों ने कॉल रिकॉर्डिंग सुन ली रहेगी। तो ये पूरा का पूरा इस तरीके से बात हुई है, जो मेन मेन पार्ट था जो इस वीडियो से रिलेटेड है वो मैंने आप लोग को बता दिया है। नाउ जब मेरी हरकत वाला फरदीन से बात हुई तो फिलहाल मेरे पास सारे के सारे अगेन प्रूफ इस वाले मोबाइल में है, एक से एक प्रूफ है, दोनों साइड के हैं। लेकिन हरकत वाला फरदीन के जो फिलहाल मेरे पास प्रूफ है वो बहुत ज़्यादा फैक्ट्स के बेसिस पे एंड ऑथेंटिक है। सो मैं किसी की साइड नहीं ले रहा हूँ, बट मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगा कि ये जो पूरा का पूरा मैटर हुआ है उसके ऊपर मैं ये बोलना चाहूंगा कि प्लॉट ट्विस्ट क्या है। प्लॉट ट्विस्ट ये है कि हरकत वाला फरदीन ने फिर मेरे को बताया कि ये वाला जो मैटर उसने बोला है शादीशुदा वाला, वो ये माल वाली आंटी से रिलेट ही नहीं करता है। समझे प्लॉट ट्विस्ट? मतलब कहने का मतलब है कि एमयू बंडा की साइड से वो स्टोरी आई है वो मैनिपुलेटिव है एंड झूठ है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हरकत वाला फरदीन ने बोला। एंड जो बात है वो एक एमयू की जो एक्स थी 10 साल पहले, मतलब 2010-2009 में, उससे रिलेटेड है। एंड शी इज राइट नाउ 24 or 26 years old। एंड नाम मैंने पूछा नहीं, ना मेरे को इंटरेस्ट है जानने में। और बाकी बहुत सारे मेरे पास स्क्रीनशॉट्स पड़े हैं, कॉल रिकॉर्डिंग्स है, एंड मेरे पास स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स भी है जो मैं यहाँ प्ले नहीं करूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता पर्सनली कि ये कंट्रोवर्सी की वजह से किसी भी फैमिली का नाम बदनाम हो या फिर किसी का रिश्ता टूटे। यू सी, सो ये चीज़ प्राइवेट रखते हैं, कॉन्फिडेंशियल रखते हैं। बट एज अ हिप हॉप लिसनर, एज अ न्यूज़ कवरर, कवरर ही बोलते हैं ना, कवरर ही बोलते रहेंगे, चलो छोड़ो यार जो भी बोलते हैं, इतना अंग्रेजी काफी है भाई, क्या बोलती है बंडा की पब्लिक। सो ये पूरा न्यूज है। सो बेसिकली इस पे मेरा क्या ओपिनियन है, सी मैं न्यूट्रल हूँ, मैं बिल्कुल न्यूट्रल हूँ। मैं ना एमवे की साइड हूँ, ना मैं हरकत वाला फरदीन की साइड हूँ। मैं एक पोस्टमैन हूँ जो जनता, मतलब आप लोग के घर पे न्यूज़ पहुंचा रहा हूँ। अब वो न्यूज़ मौतम वाली है या फिर प्रमोशन वाली है, मर्डर वाली है या फिर जो बोलना है वो वाली है, वो आपके ऊपर है। आप लोग और उसे पढ़ो और नीचे कमेंट करो आपका क्या ओपिनियन है। एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा, ना एमवे को गाली दो ना हरकत वाला फरदीन को, सिर्फ अपना ओपिनियन बताओ। एंड इस टॉपिक के ऊपर अगर हरकत वाला फरदीन कुछ एक्स्ट्रा डालता है या फिर एमवे वंटाई की साइट से कुछ आता है जो ऐसा है कि ऐसा है कि देखो, हरकत वाला फरदीन और एमवे बंटाई मेन है इसमें। तो अगर हरकत वाला फरदीन अपनी बात रख रहा है तो आई थिंक कि एमवे बंटाई के जो होमीज है जिनसे मेरी बात हुई उनको शायद एमवे बंटाई को बोलना चाहिए कि नाउ ही शुड स्पीक अप, क्योंकि ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। एनीवेज, तो ये पूरा का पूरा टॉपिक था एंड बाकी सारी चीज़ें, ये थी पूरी की पूरी बात जो मेरे को आप लोग तक पहुंचानी थी। नाउ आप लोग का क्या ओपिनियन है कमेंट करके जरूर बताना। और अब हरकत वाला फरदीन का जो डिस्ट्रैक है उस पर एक नजर मारते हैं। गो, ओके, हरकत वाला फरदीन, लेट मी टाइप HWF, हरकत वाला फरदीन उसका डिस्ट्रैक, ओके देयर यू गॉट इट, ये तो लगा लेता हूँ यार। ओके, आर यू गाइस रेडी? सो लेट्स गो, देयर यू गो। ओके, डू यूज योर फोन, साउंड बढ़ा लेते हैं। अरे धक्का बुक्की करेगा नहीं, कोई नहीं करेगा, सबको मिलेगा, क्या सबको मिलेगा, कोई धक्का बुक्की करेगा नहीं, लाइन से आने का, लाइन से लेने का, समझा, कोई धक्का बुक्की करने का नहीं। पूरा गाना जरा ध्यान से सुन, कितने आके के सामने और हो गए ले घूम, साड़ी पहनने के लगा मुख पे हल्दी कुमकुम। ओके, एक मिनट यार, एक मिनट, ये बीट फिर से सुनो। ये बीट जब ड्रॉप होता है, ये जो आप लोग ने सुना रहेगा ना, टेन, ये कहाँ का है? बॉलीवुड सॉन्ग का जो एक ट्यून है उससे इंस्पायर्ड है। ये सुनो तुम लोग एक बार फिर से, सबको अभी सुनना, धक्का बुक्की करेगा ना, लाइन से आने का, लाइन से लेने का, समझा, कोई धक्का बुक्की करने का नहीं। पूरा गाना जरा ध्यान से सुन, कितने आके के सामने और हो गए ले घूम, साड़ी पहनने के लगा मुख पे हल्दी कुमकुम, दो टिकटॉक का जनन से थम थम थम, सम सम में डाला मैंने गाने, कुछ को लगेगा कि तेरा होता ना, मैं इसको ठस गई ना, पार्ट टू बना डाला मैं, पर नाम नहीं लिया ब्रो क्योंकि हरकत बिछाना है, डोंट डिस्टर्ब करा, रिप्लाई नहीं दिया मैं तेरे जैसे को जिंदगी में अप्लाई। ओके, नाम नहीं लिया हरकत ने क्योंकि हरकत भी शाना है। इससे ये बोलना चाह रहा है कि बेसिकली ये इसमें नाम लेके नहीं कर रहा है डिस, क्योंकि पब्लिक जो है इंडियन वो ये समझती है कि अगर कोई किसी को डिस कर रहा है तो फेम के लिए कर रहा है, भले रीज़न कुछ भी हो, कितना भी वैलिड हो। सो यहाँ पे वही बोला कि सबलिमिनल शॉट है, जैसे कि राउंड वन में एमवे ने कहा था कि केस करना बहुत आसान है, सो एवरीवन नोस क्या बात कर रहा था, किसकी बात कर रहा था। सो बेसिकली हरकत वाला फरदीन भी वही बोल रहा है कि नाम नहीं लेगा मैं, बहुत शाना है मैं, और बंटा तू शाना तो है। चलो फिर से ये वाला सुनते हैं, कुछ को लगेगा कि तेरा होता ना, मैं इसको ठस गई ना, पार्ट टू बना रहा, ये वाला, पर नाम नहीं लिया ब्रो क्योंकि हरकत बिछाना है, डोंट डिस्टर्ब करा, रिप्लाई नहीं दिया मैं तेरे जैसे को जिंदगी में, अप्लाई नहीं किया, जाओ आप देखे व्यूज, खुद को सप्लाई नहीं किया, मैं नाम ले लूं तेरा, बेंचो इतना नहीं झुकता, मैं सुख रहे भाई तेरा, अच्छे अच्छे काम करेंगे, भगवान भी बोला चल हरकत कोई कांड कर दे, इंस्टा पे बकचोदी सामने पर ये डरते रस, मेरे ब्लास्ट में छोटा भीम पे मरते, चढ़ते हैं दोस्तों के कंधे से, बाद में ये लड़ते हैं उनके ही संग में से, मंजे से दिखते पर दिमाग के, चढ़ते हैं दोस्तों के कंधे पे,
फिर लड़ते हैं उनके संगे से। ओके सो ये वाला जो पार्ट है, ये मेरी बात हुई थी हरकत वाला फर्जन से। तो बेसिकली इसका क्या सीन है कि एमिवे बंटा है, सबको पता है दैट ही इज ऑन टॉप 10 मिलियन। सो वो वहाँ तक पहुँच गया, बट अगर आप देखेंगे कि एमिवे के जो फ्रेंड्स है जो उसके साथ स्टार्टिंग से है वो कहाँ है, वो सीन में गायब है, जबकि वो भी रैपर्स है। आप मीम मशीन को ले लो या फिर आप मिंटा को ले लो, तो ये लोग का कुछ ऐसा है ही नहीं, सीन में कुछ है ही नहीं, ना ही उनको पास वो फेम है। जस्ट बिकॉज एमिवे बंटा फेमस है तो लोग उनको जानते हैं एज एज फ्रेंड्स। तो वही बोल रहा है कि दोस्तों के कंधे पे आगे चढ़ गया, बट देन उनको आगे लेके नहीं आया, उनको वो पुश नहीं दिया उसने जो वो कर सकता है। तो दिस इज वॉट हियर फरदीन इज ट्राइंग टू से। ये वाला फिर से सुनो। लास्ट में छोटा भीम पे मरते चढ़ते हैं दोस्तों के कंधे से, बाद में ये लड़ते हैं उनके ही संग से, मंजे से दिखते पर दिमाग है बहुत, दोस्त बनाने का बदला में टॉट, वेट व्हाट मेरे मन में नहीं कोट, खुद ही है कातिल और खुद ही है कोट, शॉट 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 ऐसा कुछ शॉट नहीं, खुद ही है कातिल खुद ही है कोर्ट, मैं ही हूँ जज मैं ही मिल लॉर्ड। ए ये तो मेरे भी एक गाने की लाइन है। सो मैं ही हूँ कातिल मैं ही हूँ कोर्ट, यही बोला ना, क्या बोला, मैं ही हूँ, एक मिनट फिर से सुनते हैं, यहाँ से चलो। मंजे से दिखते पर दिमाग है बहुत, दोस्त बनाने का बदला में टॉट, वेट व्हाट मेरे मन में नहीं कोट, खुद ही है कातिल और खुद ही है कोट, शॉट शॉट खुद ही है कातिल खुद ही है कोट, नाउ खुद ही है कातिल एज अ कातिल 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 एज इन बोलते ना कि यार अपन ने मर्डर कर दिया है, पर जज भी अपन नहीं है, कोर्ट भी अपन नहीं है, फैसला भी अपन ही सुनाएंगे, गवाह भी अपन नहीं है, और अपन नहीं अपन 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 मुंबई स्लैंग अपन, और क्या बोलते हैं कि जज भी अपन नहीं है और लॉयर भी अपन नहीं है, इस टाइप का। मतलब कि बेसिकली हरकत वाला फरदीन ये बोल रहा है कि एमिवे बंटा है चीज़ों को मैनिपुलेट कर देता है कांड करके, और ये हरकत वाला फरदीन बोल रहा है खबरदार मेरे को तुमने कुछ बोला। मैं से ब्रेक डाउन करके बता रहा हूँ क्योंकि अब मेरे पास नया मोबाइल आ गया है, उसमें ये पॉज वाला फीचर बहुत सही है। ऐसा कोई शॉट नहीं है, जो लोग मुंबई से नहीं है, अगली मतलब होता है UGLY वाला अगली, नहीं वो वाला अगली नहीं, अगली एज इन गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड को मुंबई में बोलते अगली, तेरी अगली मेरी अगली, इस हिसाब से दैट्स व्हाट अगली हियर मींस, अगली समझे। गाय टोंडे एक मिनट, ये बीट ड्रॉप देखा तुम लोगों ने, एक मिनट फिर से सुनो। क्या कुनी भगवान ने बहुत दिन बाद बचा गाना तेरे कान में, नमक खराब है तू नमक खराब है, ओके नमक खराब है तू नमक खराब है तू नम 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 नम, ओके नमक हराम है तू, इट्स अ हुक एंड नमक हराम है मतलब कि जो अपना नमक खाता है वही धोखेबाज निकलता है, ट्रेटर, नमक हराम एंड नम 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 नम, यहाँ पे देखिए ये बोल रहा है नम 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 नम, ओके नम नम मतलब होता है बाउ डाउन करना, ओम नम शिवाय बोलते हैं, मतलब अपन बाउ डाउन कर रहे हैं किसी के सामने, तो नमक हराम है तू नम 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 नम, भाई तू मेरे सामने बाउ डाउन कर क्योंकि तू गलत है, ओके नाउ दैट्स अ गुड रेफरेंस इफ दैट इज व्हाट इट मींस, जो मेरे हिसाब से नमक हराम है तू नम 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 नम, गजब भाई क्या होता है नहीं बता, ये यश किश 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 ये वो एंड जो वर्ड बोलते हैं वो वर्ड को फिर से, आई एम सो सॉरी मेरे को गैस की प्रॉब्लम है, उस चीज को एडलिप्स बोलते हैं, इसमें एडलिप्स सुनो यहाँ पे जो यहाँ से स्टार्ट होता है, ये सुनो अब यहाँ पे आएगा टेस्ट बेस्टी है, सुन रहे हो भाई यार क्या बीट ड्रॉप कर रहा है यार बीच में, अरे बाप रे लिरिक्स उठा के दिखा दी औकात, नाउ इज टॉकिंग अबाउट वो हैशटैग सड़क वाली जो बात है जो मैंने इसमें कवर नहीं किया है, उसके भी मेरे पास प्रूफ है दोनों साइड के, बट देन वो कभी और करेंगे। सो बेसिकली दिस इज व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट राइट नाउ। एक मिनट, क्या क्या जयपुर में, क्या 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 बोला बंदा, जयपुर में मार खाया और जज करना है एमटीवी हसल, ओके
आई रिमेम्बर एमी वे बंटा ने लाइव में बोला था कि जयपुर में कुछ प्रॉब्लम हुआ था, इसलिए वहाँ पे शो वो कैंसिल हुआ था, एंड प्लेन की टिकट भी ऑर्गेनाइजर्स ने कैंसिल करवा दी थी। तो शायद से वो वाले जयपुर मैटर की बात कर रहा है कि मार खाया, आई डोंट नो उसके बारे में। एंड जज करना MTVSL, जब MTVSL का फर्स्ट सीजन आया था तो आप लोगों को पता रहेगा कि एमी वे बंटा ने एक टॉन्ट करते हुए स्टोरी डाली थी कि ऐसे शोज तो अपन भी बैठ के जज कर सकते हैं, ये वो। सो या ओके, लिरिक्स देख रहे हो, लिरिक्स देख रहे हो, ये सुनो एक बारी, फिर से सुनो ये दफनो कफनो वाला, ये वाला सपनों में सोता हकीकत में जागा, गाने के लिए मैं कहा नहीं भागा, इंडियन हिप हॉप में सुन जाएगा दगा, असल आर्टिस्ट मेरा भाई दिल्ली का लगा। नमक खरा में तू, नमक खरा में तू, नमक क्या बी ड्रॉप है यार, नमक खरा में तू, नमक खरा में तू, नमक खरा में तू, नम 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 ए, नमक खरा में तू, नमक खरा में तू, नम 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 ए, नमक खरा में तू, नमक खरा में तू, नमक खरा मेरे गाने का नाम, पर असल में खाना में खाता हूं खुद का। क्या बात है, टेबल पे बैठे बता रहे जनता को से खाते हैं गुटका, ए लगाती है मुक्ता क्या 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 क्या, एक मिनट फिर से, वीडियो का आता पैसा लगाती है मुक्ता। ओके नाउ दिस इज समथिंग न्यू, आई डिडंट न्यू दिस। ओके ओके ओके, तुम्हारे जैसा नहीं जॉइंट मारते मुक्ता, ये बीफ की बातें करते ये भाई, तेरा है क्या उल्टा बदन से, पर मेरी मां ने क्या बढ़िया खाना खिलाया। यार भाई यार, ये बी ड्रॉप सुनो यार, ये क्या कर रहा है फरदीन यार, गजब यार। क्या बात है, का शौक था बुक पर ना जाने, रैपिंग के सीन में कब उतर आया, गाने देते मेरे शॉट, अब जाके पब्लिक के आंखों के नजर में आया, ऊपर के आया ये हुनर मेरा, जब काम किया तब मेरी उम्र थी ना, जैसे साथ दिया वो मेरे स्कूटर है ना, चलना चाहते ए भाई मेरे भीतर ना, जरा मीटर चला तेरे दिमाग का, आज भी देखा तुझे फोटो तेरे दिमाग का, बीफ करना था तो ले अब कीमा का, बंटी ने चीची करी इसको, मैं भी को पीना था, सच बोलता गानों में नहीं, क्या 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 क्या, ओके ये फिर से सुनते हैं, चला तेरे दिमाग का, आज भी देखा तुझे फोटो तेरे दिमाग का, बीफ करना लाता बंटी लेता चोको मुफाट का, ओके सच बोलता गाने में नहीं करता नंगा नाच, हाँ ओके ओके, इसका कॉपी उसका कॉपी, अगेन ही इज टॉन्टिंग एमी वे फॉर कॉपिंग रस इंस्पिरेशन बोल के, एंड ओके ही इज गॉट फैक्ट्स ब्रो, इस बार ये फैक्ट्स के बेसिस पे पूरा डिस है, एंड मेन बात तो आने अभी बाकी है, चलो सुनते सुनते अब आएगा ये सुनो, ये बोलता खुद को इंडिपेंडेंट, ओके लेकिन ये खुद के अपनों को धोखा दिया था, जिसने दिया था इसको गले का पेंडेंट, मेरे को ये बारे में मेरी बात हुई थी फरदीन से, एंड इसके बारे में जो ब्रेकडाउन इसने बताया कि बोलता खुद को इंडिपेंडेंट पर धोखा दिया दूसरों को, एंड बेचा वो पेंडेंट, इसने बताया कि एमी वे बंटा ने जो पैसे लगाए हैं नो डाउट उसने लगाए हैं अपने घर से ही, बट वो पैसे कैसे आए हैं, वो चीज़ों बेच के जो इसके दोस्तों ने उसको दी थी, एग्जाम्पल एक पेंडेंट। ओके सो दिस इज वॉट फरदीन टोल्ड मी, एंड दीज थिंग्स आर रियली डीप ब्रो, रियली डीप। शौक नहीं किसी के पर्सनल मैटर में घुसते, पर तूने बोला ना हैशटैग, ये वाला सुनो, लड़कियों की इज्जत कर रहे हैं, अरे मेरा भाई पहले तू तो कर ले, एक शादीशुदा औरत के पीछे पड़ा है, उसके हस्बैंड को धमकी देता है कि शादी नहीं करेगी तो उठा के लेके जाऊंगा, बस यही मर्दानगी, बाप का राज चालू है क्या, और आप अपनी बंटी नहीं जलता डिवाइन से, बल्कि बंटी का बाप जलता है डिवाइन, क्या 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 क्या, बंटी नहीं जलता, पर उसके बाप ने बोला घोड़ा अगर घास के साथ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कहां से बंटी को तो कोलैप कर रहा था डिवाइन, अरे यार आई एम सो सॉरी, थोड़ा पीछे लेने दो, तो उठा के लेके जाऊंगा, बस यही मर्दानगी, बाप का राज चालू है क्या, ये सुनो, और आप अपनी बंटी नहीं जलता डिवाइन से, बल्कि बंटी का बाप जलता है डिवाइन से, बंटी का बाप जलता है डिवाइन से, यहाँ पे लोगों ने इसे मिस इंटरप्रेट किया था कि बंटी का बाप, आई एम सो सॉरी, बंटाई का जो पापा है वो किससे मिस इंटरप्रेट कर दिया था, रफ्तार को, कहा था कि रफ्तार है एमीवे का बाप, जिसने बोला डिवाइन के साथ कोलैब नहीं करने का, तो ऐसा सीन नहीं है, हियर फरदीन इज टॉकिंग अबाउट एमीवे इज रियल डैड, एंड उन्हीं का रेफरेंस लेके उसने ये बात बोली है, एंड इस चीज़ का भी प्रूफ इसने मेरे को दिया है, लाइक गाने में जितनी बातें हैं ना गाइस, मेरे पास सब चीज़ का प्रूफ है, बट मैं वो रिवील नहीं कर सकता क्योंकि इससे बहुत सारी चीज़ें बिगड़ जाएंगी, जनता मालिक है, तुम देख लो गाना एंजॉय करो और बाकी कमेंट कर देना अपना ओपिनियन। तो कोलैब कर रहा था डिवाइन के साथ, पर उसके बाप ने बोला घोड़ा अगर घास के साथ दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या, ओहो हो घोड़ा अगर घास के साथ दोस्ती करेगा, करेगा क्या, क्या बात है यार,
ओके अगेन बी ड्रॉप ओके क्या बात क्या लाइन है क्या लाइन है ये सुनो चांदेरा दिवाली तेरा तो या धूमधाम मेरा क्या बात है जरा शिद्दत से देना इधर बैठ के वेट करेगा भाई तेरा फुकड़ बातें में को नहीं होती सहन मेहनत करता जरा कुछ तो कर शर्म बीफ का शौक जब मम्मी का पगड़ी पहने तो आ जाएगा हरकत लेके चांद पे ग्रहण ओहो हो 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 अब आएगा वो वाला नवा खराब वाला ए ये फिर से सुनते हैं यार फिर से यार वो कचक कचक वाला एक और बार चलो भाई एक और बार अब आएगा वक्त नमक खराब है तो नमक खराब है बहुत सही यार सही यार ओके 1998 से जो रेस्ट इन पीस यार बातें तो बहुत सारी खोल दी यार पता है फन फैक्ट क्या है कि पहले स्टार्टिंग अच्छा ईपी भी आ रहा है ठस ईपी कमिंग सून ऑफ हरकत वाला फरदीन ना पता है इसमें ओके प्रोड्यूस बाय चेतन ओके नाम चला गया एक मिनट यार ये नाम पढ़ना बनता है ये बीट मतलब चेतन अलावने भाई साहब यू नो मैन हैट्स ऑफ ब्रो लेजिट बीट हैट्स ऑफ ओके अगर मैं ये गाने की बात करूँ ना तो एक चीज़ तुम लोग को दिखाता हूँ कि इसमें अगर तुम लाइक डिसलाइक रेशियो देखोगे तो 1.3K लाइक्स है 4K व्यूज़ में एंड 132 डिसलाइक ही है मतलब इस बार लोग सपोर्ट कर रहे हैं एंड समझ रहे हैं एंड यहाँ पे जैसा कि तुम लोग देखते हो मैंने भी कमेंट किया था क्योंकि ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट था एंड उसके ऊपर सो दैट्स इट गाइज दिस इज इट जो है एंड यहाँ मैंने रिकॉर्डिंग बंद करी एंड लाइक गाने का अगर मैं अलग से रिव्यू करूँ सो आई विल बी सेइंग कि बहुत सही यार जो दिमाग लगा के करा है ना बोलते हैं ना अपना क्या यार क्या है नीचे चीटी बहन जो हाँ वो जो दिमाग लगा के कि यार वो टेन ये जो बीट है ये बहुत सही तरीके से यूज करा यार वो बॉलीवुड का उठा के एंड दैट्स वेयर यू शो योर क्रिएटिविटी एंड स्किल्स एंड हैट्स ऑफ टू चेतन भाई एंड सॉन्ग वॉज लेजिट मैन अलग से क्या बोलूँ मैंने बीच में जितना मैं कर पाया पूरा रिएक्ट करके किया मैंने एंड दिस वॉज द होल कॉन्ट्रोवर्सी गाने का लिंक ऑब्वियसली आपको मिलेगा मेरे डिस्क्रिप्शन में प्लीज़ जाके गाना सुनिए एंड अपना व्यू वहाँ पे भी कमेंट करिए आपको क्या लगता है क्या सही है क्या गलत है एंड दोनों साइड से अगर मेरे को कुछ और बातें पता चलती है आफ्टर दिस सी माई वीडियो एंड ऑब्वियसली आई वॉन्ट एम यू वनटाइड टू यू नो स्टेप अप ऑन दिस थिंग एंड टॉक अबाउट दिस शिट बिकॉज दिस शिट इज गेटिंग बिगर एंड बिगर एंड इट्स अ बिग स्टेटमेंट यू नो इट्स अ बिग स्टेटमेंट दैट यू आर यू नो putting your eyes on a married woman which is not at all fair if that's true then he has lost all my respect but then you see I can't say anything main kuch nahi bol sakta iske upar kyunki abhi tak dono side ki aur baatein jab tak nahi aati tab tak main na proof dikha sakta na kuch kar sakta hu so aage ka kuch aayega tumhara bhai sabse pehle cover karega and jitne log ye cover kar sake please cover kariye and public ka opinion janiye and public no hate to MUA no hate to harkat no hate to tarun bhai samajh mein aaya kya ae चिल मारो जो चीज़ें हो गई है चलो पुरानी है हो गई अब आगे ध्यान देते हैं जो चीज़ें होनी है देखते क्या होता है आगे बट लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब करना एंड में आते वही कहूँगा जो हमेशा कहते हैं कीप लविंग कीप सपोर्टिंग एंड बोट की देखा ना हेडफोन तुम्हारे भाई ने लिया क्या तुम्हारे भाई ने लिया चलो बाय 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 बाय